गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक अमरोहा में स्थित बहोरा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव की प्रधान चंद्रा देवी हैं। लगभग 4000 जनसंख्या व 1700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। जैसे गांव में 75 बच्चे राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं, साथ ही गांव में 22 विधवा पेंशन, 25 वृद्धा पेंशन, 2 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 20 हैंडपंप, 50 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर गांव में लगे हुए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 169 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की।